करण कुंद्रा एंड दिस इज डेटिंग आजकल, इंडिया का पहला इंटरैक्टिव डेटिंग शो जहां कुछ अमेजिंग स्मार्ट सिंगल लड़कियां ऑनलाइन डेटिंग की दुनिया से बाहर निकल के ढूंढ रही हैं अपना परफेक्ट मैच इन द रियल वर्ल्ड। उनकी इस फास्ट एंड फ्यूरियस लव स्टोरी का हिस्सा बन के आप जीत सकते हैं ढेर सारे प्राइजेस। अपने स्क्रीन पे आने वाले क्वेश्चंस का आंसर दीजिए और अगर आपकी और लड़की की सारी चॉइसेस सेम हुई देन यू विन प्राइजेस। रुतुज और यश को आयुषी की दुनिया में एंट्री मिल चुकी है, अब जगह बची है सिर्फ एक लड़की। अर्जुन और रैपर मैडी में से आयुषी किसे बनाएंगी अपना थर्ड एंड फाइनल चॉइस? नाउ आयुषी, अब आपको डिसाइड करना है कि इनमें से कौन एक्सेप्ट होगा और कौन हमेशा के लिए ब्लॉक। और इसके लिए आपके पास एंड ऑडियंस के पास होंगे सिर्फ 10 सेकेंड। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो I'll accept Maddie. I'm sorry, Arjun. But I have to block you. Okay. All right, rapper Maddie. आ गए हैं आयुषी की magical दुनिया में. मिलते हैं थोड़ी देर बाद. Maddie, Yash and Rutuj तीनों ही मुझे काफी interesting लगे और काफी अलग हैं एक दूसरे से. तो तीनों से मिलके इन्हें जानने में मुझे बहुत मजा आने वाला है एंड गेट टू नो इफ दे आर कंपैटिबल टू मी और नॉट। ऑलराइट बॉयज, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। पहला इंप्रेशन तो अच्छा जमा लिया तभी यहाँ खड़े हैं आप, लेकिन ये पहला इंप्रेशन लास्टिंग इंप्रेशन बनेगा या नहीं ये डिसाइड करेगा हमारा स्पीड डेटिंग का, मतलब कम से कम वक्त में एक दूसरे को सबसे ज्यादा जानने की कोशिश। शार्प सवाल, शार्प जवाब। लाइफ की कहानी बाद में सुनाना, उसका टाइम आएगा। आयुषी, डेट्स के दौरान आपके पास एक बजर होगा, जैसे ही इनमें से कोई आपको करे बोर उनको सुना दो बजर का शोर एंड थ्रो देम आउट ऑफ द डोर। तो आयुषी आप अपने मैजिकल वर्ल्ड में जाइए, लड़के आपसे जल्द ही मिलेंगे। ऑलराइट बॉयज, अगर अपनी रिलेशनशिप को बरकरार रखना है तो उसकी फाउंडेशन को सच पे बनाओ। जब आयुषी के क्वेश्चंस फेस करोगे सिंपल जस्ट ओन योर ट्रुथ। याद रखना कि आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स की तरह इस शो पे आपके पास कोई फिल्टर नहीं होगा पीछे छिपने का। सो आर यू रेडी? एब्सोल्युटली। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, मैंने बस एक चीज सोची थी कि जो सवाल आएगा सच सच बताना है, कोई मैनिपुलेट नहीं करना है। सो आर यू रेडी? यस आई एम। ओके, पांच चीजें जो मुझे आपके बारे में पता होनी चाहिए। आई एम अ वेरी केयरिंग पर्सन, मैं बहुत लॉयल हूँ, जो मेरे दिल में आता है मैं बोल देता हूँ। आई एम वेरी फनी, आई एम वेरी कोकी। क्या ज्यादा एम्बैरेसिंग है, गर्लफ्रेंड का आपके सामने किसी और के साथ मेकआउट करना या पेरेंट्स का आपको सेक्स करते हुए पकड़ना? गर्लफ्रेंड का मेरे सामने मेकआउट करते हुए देखना, मुझे, मैं देख नहीं सकता वो चीज। पेरेंट्स इंपॉर्टेंट नहीं? पेरेंट्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन पेरेंट्स घर के हैं तो उधर चलता है, बट पेरेंट्स समझ जाएंगे ना यार। अगर हम कहीं बाहर मिले तो मुझ पे क्या पिकअप लाइन यूज करते हैं? मैं दिखता हूँ स्वीट इनोसेंट स्वामी टाइप का ना, एक्चुअली मैं हूँ भी वैसा ही। ओहो, छक्का ही मारा। आज तक कितने हुकअप्स किए? I'll give you a roundabout figure, like more than 5 but less than 10. Safe figure. आयुषी को जैसे ही लगता ना कि कोई लड़का फेक हो रहा है वो बोर हो जाती है, उसको पता है what she wants and the boys still don't understand. So Maddie, अब क्या करते हैं? मैं पेशे से एक रैपर हूँ, थोड़े बहुत टीवी शोज भी करें। म्यूजिक के अलावा क्या इंटरेस्ट है आपके? आई एम एन एरोनॉटिकल इंजीनियर, मैं चांद तारों में बहुत इंटरेस्ट रखता हूँ। लुक्स या पर्सनालिटी क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए? ना गर्ल, पर्सनालिटी ऑब्वियसली यार, यूथ इज गोना गो, योर एज इज ब्यूटीफुल ना, है ना? Are you trying to tell her that she's going to be ugly soon? Street fashion or runway fashion? What street do you prefer? Street fashion. Every high-end fashion comes from street. As an underground rapper, मुझे उनकी dressing में rapper वाला कोई भी vibe नहीं आता. As I was saying, I'm looking for somebody who's really genuine. First kiss कहाँ था? Ladies washroom. At which age have you lost your virginity? 17. Number of girls have hit on you? Oh, too many. That is too many. Number of guys who have hit on you? Yeah, there are some somewhere around 40. They keep messaging on me on Snapchat and I always tell them, boss, listen, enjoy the beauty of the God and just enjoy yourself. Last relationship kab tha? 2 saal pehle, lekin 10 saal ka. So okay. Very loyal guy. Are baap re. Kyun breakup hua? Yeah, breakup isliye hua kyunki uski mummy nahi maan rahi thi. Still in touch with your exes? No. Ex means ex. Once gone, gone. 10 saal ka relationship tha to. She got married.
Okay, but you can keep good terms. I want people to be happy in their own zone. I don't want to mess around with anything. Nice. एक रिलेशनशिप में डील ब्रेकर क्या है आपके लिए? कांदा नहीं होना चाहिए यार. You shouldn't be crying. अगर मैं आपको लगातार रुलाए जा रहा हूँ, आप मुझे रुलाए जा रहे हो, तो क्या रिलेशनशिप है फिर? तो वो ऑनियन है ना यार. सर टमाटर चलेगा? कांदा, like seriously, डेट पे ये बातें कौन करता है? मैडी, complete turn off for me. Complete turn off. Never do that. Five words में मुझे impress करो. Beautiful, glamorous, voluptuous, influencing, and amazing. You have to impress me. Impress? Oh. But these are the good words. Oh, you're like a Beyonce and I could be your Jay-Z. Your opinion on me so far? Oh, you're beautiful and you're more of like a Beyonce thing. कभी भी किसी लड़की को किसी और लड़की के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। अगर फ्यूचर में मुझे कोई लॉन्जरी शूट मिलता है तो विल यू अलाउ मी टू डू? व्हाई नॉट? बियॉन्से डज इट। जितनी बार बियॉन्से बोल रहा है मेरे दिल का थप्पड़ मारो। हमारी स्पीड डेट के बारे में एक सेंसेशनल न्यूज हेडलाइन बनाओ। बियॉन्से इंडियाज जेजी फाइंड्स इंडियाज बियॉन्से। बियॉन्से 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 पूरे स्पीड डेट पे मैंने एक ही वर्ड 10 बार सुना है। ठीक है, पसंद है, इतना क्या ऑब्सेशन है? कह रही हम ओके, अगर इतने ही ऑब्सेस्ड हो बियॉन्से से तो भाई यहाँ क्यों आए हो तुम? डेटिंग शो पे क्यों आए हो तुम? www.beyonce.com पे भी जा सकते हो ना यार। सो लेट्स स्टार्ट। या कूल। फाइव फैक्ट्स जो मुझे आपके बारे में पता होने चाहिए। आई एम इंपल्सिव, नार्सिसिस्टिक, लाउड, एनर्जेटिक एंड हाई ऑन लिबिडो। ओके, कभी आपने किसी पेशेंट या डॉक्टर के साथ? नहीं, मैंने ये क्वेश्चन बिल्कुल बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि ये काफ़ी काफ़ी ज़्यादा खुराफाती क्वेश्चन है ये। वेल, इन दैट केस डॉक्टर कॉलीग्स या ऑफ कोर्स, बट नॉट विद पेशेंट्स। आपकी रिलेशनशिप में स्पॉटलाइट किस पे होगी, आप पे या लड़की पे? मुझ पे, एक इंडिपेंडेंट लड़की को। आपके पेरेंट्स के साथ सबसे ऑकवर्ड कॉन्वर्सेशन क्या हुई आपकी? वेल, मेरे पापा ने मेरे कॉन्डम के स्टैश पकड़े थे। इट वाज ऑकवर्ड बट इट वाज रियली फनी। या फील हिम। अगर ये दोनों चीजें ऑनलाइन मिलती तो आप क्या खरीदते? लव या सेक्स? लव। लाइफ में किस चीज के बिना रह सकते हो, सेक्स या प्यार? सेक्स। लास्ट रिलेशनशिप कब था एंड ब्रेकअप क्यों हुआ? 1.5 साल पहले। We tried, but again, like I said, chemistry and compatibility are two important things. Chemistry thi, compatibility nahi thi. Okay. So we had to call it off. What's the longest you've gone without sex? A month. Like seriously, 1 month without sex? I don't believe it. What is the naughtiest thing you can imagine with me? Come on, answer. All right. I have to take you out on a good jungle safari and do all the inspectable things we could do. अगर मैं एक मेल स्ट्रिप क्लब में जाना चाहती हूँ तो तुम मेरे साथ चलो। क्या? It's fine. I want to try that out. And what if I want to go alone? Yeah, it's cool. I'll go to the female stripping club. So it's like that. No, it's okay. But you're having fun. Why not me? Okay. Relationship अगर boring हो जाए तो उसे spice up कैसे करते हैं? Buy more sex toys. That's the only thing you have to spice up a relationship. See, for me, there are two reasons why people cheat, be it a man or a woman. If they don't get connected on an emotional level and if they're not satisfied. We are in a relationship because we are emotionally connected, but then eventually things start, you know, starts mellowing down. So I genuinely believe that, you know, if you can add up that spice, of course it stays for a longer time. Okay, I'm done with you. रितुष के साथ स्पीड डेट वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग। उसने मुझे कोई भी डायरेक्ट आंसर नहीं दिया। एवरीथिंग वॉज लाइक आयुषी रीड बिटवीन द लाइंस। तीनों स्पीड डेट्स अब खत्म हो चुकी है। अब ऑडियंस आपको डिसाइड करना है कि इन तीनों लड़कों में से सबसे ज्यादा आयुषी को किसने इंप्रेस किया। वॉज इट यश, वॉज इट रितुष और वॉज इट अपमैट? आपके पास सिर्फ 15 सेकेंड टू एंटर योर चॉइस। योर टाइम starts now. Speed date was awesome. मुझे तो मजा आ गया यार। मुझे लगा कि यार अब तो I'm gonna date आयुषी for sure. Speed dating experience काफी ज़्यादा अच्छा था and it went pretty well. मैं आयुषी को impress कर पाया था। मैं जानता हूँ, you know, उसने buzzer बहुत जल्दी बजा दिया था, but उसको देखकर ये लग रहा था कि that she is getting impressed by. मुझे सबसे ज़्यादा impressive यश लगे। मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो कुछ fake कर रहे हैं। वो है ही इतने sweet, so he was just behaving himself.